हरिणी हो आजी, मार्केट से आते हुए शरबत लेकर आई, लड़के वालों को भी बहुत पसंद आएगा। अश्विनी, अश्विनी, हाँ सारी सभी तैयारी, खाना वाना तो बन गया है, सभी ने तो बनाया था सब कुछ। अब और कुछ बनाना है तो बताइए, मैं बना देती। नहीं ठीक है, शांता में बता रही थी कि लड़के वाले खानदानी रईस है, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो मिठाई भी तैयार रखना। हरिणी हो आज, दरवाजे में अच्छी सी रंगोली निकालना। तब तक मैं सभी से बात करके आती हूँ। अगर शांता भाई ने मुझे चेतावनी दी है, कह रही थी भवानी भाई लड़की को जरा समझा के रखना, वो शांत रहे, नम्रता से पेश आए। मैं जरा सवी के दिमाग के पेच कस के आती हूँ ताकि वो कोई गड़बड़ ना करे और लड़के वालों के सामने अपना मुंह ना खोले। मैं जाके सवी से बात करती हूँ। आप अभी अभी आई है, आराम कीजिए, थक गई होंगी आप। मैं जाके बात। नहीं अश्विनी, हाँ जब तक इस लड़के की शादी ना करवा दूं मेरे लिए आराम हराम है। मैं जाके समझाऊंगी उसे। तमरा वही, आपको तो पता है ना सवी कैसी है, आप उससे बात करने जाएगी वो चिढ़ जाएगी, आप दोनों में अनबन झगड़ा हो जाएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा। आप चाहती है ना सभी लड़के वालों के सामने बहुत अच्छी तरह से पेश आए, तो आपकी तरफ से मैं बात करती हूँ, पर अच्छे से समझाना उसे। हाँ बाद में नंतर वाला कुटला तंटा न कोई। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। सुनो हरिणी, एक काम करो बेटा, ये सब अंदर रख दो और छोटी सी रंगोली निकालो, मैं सभी से बात करके आती हूँ। आजी थांबा, काय झालं? बाय तो बोल की वो सभी घर पे नहीं है। सभी घर पे नहीं है तो फिर कहाँ गई? नागपुर। क्यों गई है नागपुर? वो आज ही उसका डिबेट कंपटीशन था जिसमें पार्ट लेना उसके लिए बहुत मायने रखता है। अगो इसे, पर वो प्रॉमिस करके गई है कि वो लड़के वाले आने से पहले घर आ जाएगी। आज पापा सभी को वक्त से पहले घर भेज देना पापा, वरना यहाँ पर महाभारत रामायण सब कुछ एक साथ छिड़ जाएगा। अगर पता चल गया ना सभी घर पे नहीं है तो आओ मैं, तू जरा रंगोली काट जा। रिजल्ट अनाउंस हो गए थे, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। इतनी टेंशन क्यों ले रही? तू ही जीतने वाली है। मैं ये मान लेती कि मैं जीतने वाली हूँ, लेकिन जब से पता चला ना कि वो चिड़किया, वो ईशान भोसले है और वही जज कर रहा है ये कॉम्पिटिशन, मेरे कोई चांसेस नहीं जीतने के। मैम क्या हुआ आपको? आप कब से बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक है? मैं हाँ। नहीं तो आप ईशान भोसले को ऐसे क्यों देख रही हैं? नहीं मैं कहाँ देख, मैं स्टेज पे क्या हो रहा है वो देख रही। पक्का मैम, क्या हुआ आपको? मतलब रिजल्ट अनाउंस होती और अब वो पल आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। इस डिबेट का विनर कौन है? कौन है वो जिसने कंपटीशन जीत लिया है, जिसे वोस्टले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की स्कॉलरशिप मिली? पापा प्लीज 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 स्कॉलरशिप दिलाओ ना प्लीज। एंड द विनर इज प्लीज स्टेज पे आइए और अपनी ट्रॉफी एक्सेप्ट कीजिए। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर ईशान भोसले जी से दरखास्त करूंगा कि ये ट्रॉफी वो सभी जी को दे। सवी, वैसे तो आज आपने न जाने कितने शब्द कह दिए, पर जीतने के बाद अगर दो शब्द कहना चाहे तो स्टेज इज ऑल योर्स। ईशा मैम, ये ट्रॉफी आपके लिए। आपके सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से आज मैं ये कंपटीशन जीत पाई। मैं अपने आई बाबा को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। उनके आशीर्वाद के बिना पॉसिबल नहीं था। एंड इन द एंड, अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ईशान सर, आप भी अगर दो शब्द कहे तो हमें अच्छा लगेगा। Congratulations, हमारी विनर ने बिल्कुल सही बात कही। एक औरत एक इंसान है, लेकिन इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक औरत वो इंसान है जिसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक फीमेल को औरत बनाता है समाज और उसके परिवार के प्रति उसका फर्ज। मर्द और औरत में फर्क होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरत मर्द से कमजोर है। दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। एक सिंपल सी बात है, एक छोटा सा बच्चा अपने आई बाबा को एक जैसा नहीं दिखता। भले उसके दिल में जो प्यार होता है ना, दोनों के लिए इक्वल होता है, लेकिन अलग अलग तरीके का होता है। एक बच्चे को अपने बाबा की चाहत होती है और उसी बच्चे को अपनी मां की जरूरत। चाहत और जरूरत में जमीन आसमान का फर्क है। मैं नहीं जानता कि इस बात को कितने लोग समझ पाए, लेकिन मैं एक आखिरी बात देकर इस बात को खत्म करना चाहूंगा। जो औरत अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाती है, फिर वो औरत खुद को भी औरत कहलाने का हक खो देती है। उसे औरत नहीं, उसे भगोड़ा कहते हैं। सवी, हमें पता था तू ही जीतेगी। थैंक यू। ट्रॉफी दिखा, तू ही हमारी रॉकस्टार है। तूने सबकी बोलती बंद कर दी। थैंक यू सवी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बुला रही हूँ, रुक क्यों नहीं रहा, बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे? कौन है आप और आप क्यों रोक रही हैं मुझे? ऐसे क्यों बात कर रहा है मुझसे? आई हूं मैं तेरी। एक्सक्यूज मी, मेरी कोई आई नहीं है। आपको मुझसे कुछ काम है? कुछ चाहिए आपको? तुझसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। तेरा हालचाल पूछना चाहती थी कि कैसा है तू मेरा बच्चा। ओह, तो अब आपके पास मेरे लिए वक्त है, पर I'm so sorry, मेरे पास आपके लिए कोई वक्त नहीं है। और अभी फिक्र करने का ढोंग क्यों कर रही है? अरे आप अपनी फिक्र कीजिए ना, वही काम आपको बेस्ट आता है ना। और आप क्या देखना चाहती थी, कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, सही सलामत हूँ कि नहीं? देखिए आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ मैं। चाहती हूँ तो मुझसे गुस्सा, मैंने तुझे गुस्सा, गुस्सा बहुत छोटा शब्द है। देखिए मैम, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं ना, तो प्लीज आप भी मुझे परेशान मत कीजिए, ठीक है? मैम क्या बोल रहे हैं? आई हूं मैं तेरी। सिर्फ जन्म देने से कोई आई नहीं बन जाता। प्लीज आ जा, इसे बात कर। देखिए मेरे पास आपके लिए कोई टाइम नहीं है, ना ही मेरा मन है आपको टाइम देने का। सो प्लीज गेट असाइड, लेट मी गो। प्लीज प्लीज, देखिए मैं कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। ईशू, मैम आप ठीक हैं? सब तेरे वीडियो डिलीट ही नहीं करते, पूरा का पूरा अकाउंट डिलीट कर देते हैं। काकू आप यहाँ इस वक्त? मुझे पता है कल रात से तूने कुछ नहीं खाया, बस बाकी लोगों को खिला रही थी। चल आजा, बैठ बैठ जा यहाँ पे। रहने दो ना काकू, भूख ही नहीं है मुझे। बैठ। मुझे नहीं लगता मेरे खाने या ना खाने से आपके सिवाय इस घर में किसी को कोई भी फर्क पड़ता। तेरा मन नहीं था ना वो वीडियो डिलीट करने का, लेकिन अगर वो डिलीट हो चुका है तो तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है शिखा? क्योंकि वही एक खिड़की थी जिससे मैं अपने अतीत में देख पाती थी। वो अतीत जब मेरे जीने पे कोई पाबंदियां नहीं थी काकू, मैं अपनी खुशी के लिए गा सकती थी, डांस कर सकती थी। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बहुत खुश थी काकू। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं गुलाम हूँ, सोने की जंजीरों में बंधी गुलाम। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ रही हूँ शिखा, बहुत अच्छे से, लेकिन वो होता है ना भोसले जैसे बड़े परिवार का नाम अपने नाम के पीछे लगाने की कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। अपने पहचान को खो के, अपने ख्वाहिशों का, अपने इच्छाओं का गला घोट के सिर्फ नाम की बहू बन के रह गए हम इस घर में। लेकिन हमारी कीमत चुकाने के बावजूद उनका मन नहीं भरता, इसलिए अक्का साहब को बार बार मुझे ये याद दिलाना पड़ता है कि मैं एक छोटे घर की बेटी हूँ और अपने बेटे से शादी कराकर उन्होंने मुझ पर और मेरे भाई पापा पर कितना बड़ा एहसान किया। हम छोटे घर से हैं ना, तो समझौता करना जैसे हमारे खून में होता है ना? शिखा, मैं जब भी अपने बच्चियों के बारे में सोचती हूँ ना मुझे बहुत फिक्र होती है। इस घर में रह के वो जिस तरह से बन रही है, बदतमीज, बद दिमाग, मुझे भी नहीं छोड़ती। तो देख रही है ना मेरा मजाक उड़ाती है वो। अब तो मैं सोचती हूँ मंजली बहनी सही थी, मंजली वही? अरे हाँ, तो उसे नहीं जानते ना। मंजली वहनी यानी डॉक्टर ईशा भोसले, अपने ईशान की आई बहुत प्यारी थी। मैं जब नई नई शादी करके इस घर में आई थी ना, तब पहली बार उसे देखा था। वो ना हमेशा ईशान को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती थी। फिर उन्हें देख के मैं सोचती कि अगर मेरे बच्चे होंगे तो वहनी उन्हें भी ऐसा ही कुछ अच्छा सिखाएगी। मगर मुझे पता नहीं था मेरे बच्चों को तो छोड़, खुद ईशान को उसकी आई का साथ नहीं मिलेगा। बेचारा अपनी आई से दूर हो गया। लेकिन वो ईशान को छोड़ के क्यों चली गई? ये बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाती हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुझे देखने के लिए आके तरस गई थी। तेरा हालचाल पूछना चाहती थी कि कैसा है तू मेरा बच्चा। सॉरी। इस सवी को ना हर बार उटपटांग चीजें करनी ही है, टेंशन दे देती है। इतनी भी क्या जरूरत थी उसे नागपुर जाने की? जरूरत थी आजी, बात उसके सपनों की है। और आप जानती है ना किसकी बेटी है वो? सही मामी और विराट मामा की। वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी हार नहीं मान सकती। और बड़ी आजी को ये बात समझ में आनी चाहिए। बड़े आजी को सब कुछ समझ में आता है हरिणी, वो हम सबसे बड़ी है। जो कुछ भी करती है सोच समझ कर करती है। मेरी शादी भी तो सोच समझ कर ही करवाई थी ना उन्होंने। उसका क्या हुआ जी? सवी, निनाद, हाँ मैं बताती हूँ। मैंने उसे कहा था बताने के लिए कि मुझे क्या पता। मैंने उसे बताने के लिए कहा। अड़ू बोला। सवी कहाँ है? वो सो रही है। सो रही? हाँ सो रही है। हाँ सो रही है। वो सो रही है तो क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, अभी होने वाला है। क्या? अभी वहनी को पता चलेगा कि वो सो रही है तो वो डांटेंगी ना वहनी। आपको अच्छा लगेगा? सभी को डांटेंगी वो तो। नहीं। फिर इसलिए सुना तो नहीं है उन्होंने। अश्विनी, सभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मैम आप भी आइए ना प्लीज। नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। मैम आप ठीक हो ना? ओ, मैंने ना आपको और ईशान भोसले को ऑडिटोरियम के पैसेज में देखा था बात करते हुए। क्या बात? शॉर्टकट नहीं गया, जल्दी घर पहुंच। जी मैम। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बड़े बदतमीजी से बात कराना। आप उनको पहले से जानते हो? मैं उनको नहीं जानती। फिर इतने रूडली क्यों बात कर रहे हो? गुस्सा था, शायद कुछ गलतफहमी हो गई थी। आपको पता है सुबह मैंने उनसे ही लिखा था। मुझे लगा कि सिर्फ मेरे से इतने चिढ़ के वो बात करते हैं, लेकिन एक लड़की से फोन पे बात करे तो और बहुत प्यार से बात करे। क्या मेरा इशू इतना बड़ा हो गया है कि अब उसकी जिंदगी में एक लड़की भी है? क्या वक्त ने मुझसे इतना कुछ छीन लिया कि अब खोने के लिए यादें भी नहीं है? मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैम बताइए ना क्या गलत है? एक गोष्ट पकड़ ले कि तू घेन बसते। आज ट्रॉफी जीती है ना, चल जा मागे स्टूडेंट्स बरो एंजॉय करो। हिला मागे बोलूंगी यार। चलो। कोई तो बात। चित्र और नाम का कनेक्शन क्या है? A+ के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।